तो कन्या भोज विवाद पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि शिवराज जी, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आप कन्या पूजन जैसे पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य पर भी वोटों की राजनीति करने लगेंगे। आगे वो कहते हैं कि आपको कांग्रेस की कन्या पूजन की इतनी ही फिक्र है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से पूछने की क्या आवश्यकता है आपको। महानवमी के पावन दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में भी कन्या पूजन और भंडारा हुआ था, आप भी आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। छिंदवाड़ा में भी कन्याओं का पूजन पूरे विधि विधान से किया गया, आप भी आकर देवी से आशीर्वाद ले सकते थे, लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे क्योंकि आध्यात्मिकता, धर्म और परंपरा, इन तीनों में आपकी आस्था नहीं है, आपकी आस्था सिर्फ वोटों की सौदेबाजी में है। तो देखिए, सियासत का चरित्र ऐसा होता है। कन्या पूजन कल सभी ने किया और कन्या पूजन पर ही सियासत होने लगी है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ट्वीट वॉर शुरू हो गया है, बयानबाजियां हो रही हैं कन्या पूजन को लेकर। पहले दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा और अब कमलनाथ कुछ और कह रहे हैं सीएम शिवराज के कन्या पूजन को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने